आज हम करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का प्रश्न संख्या 3। देख लो, एक उत्तल दर्पण जो 10 सेमी दूरी पर रखी है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो सबसे पहले लिख लो कि यह कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। पहला, एक उत्तल दर्पण जो 10 सेमी दूरी पर रखी गई है, अर्थात यू का मान जो होगा वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो यह बराबर क्या फार्मूला होता है, R/2। यह बराबर जो फार्मूला होता है R/2 होता है, यानी 30/2, हम कह सकते हैं कि 15 सेमी। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम फार्मूला रख लेते हैं। देख लो, 1/2 f बराबर क्या होता है, 1/2 v प्लस 1/2 u होता है, ठीक है। हमें फोकस दूरी मालूम है, 1/2 कितना हो जाएगा, 15 सेमी, बराबर 1/2 v और -1/10, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे 1/15, ये देखो बराबर के बाद ये माइनस है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/10, बराबर 1/V, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/V बराबर 10 और 15 का एलसीएम लेंगे हम 30, 15 से 30 में भाग दो 2, और 2 से 1 में गुणा कितना हो जाएगा 2, प्लस 10 से 30 में हम भाग देंगे तो 3, और 3 में 1 गुणा करेंगे तो 3, अर्थात हमें जो मिला 5/30, हम कह सकते हैं 1/6। तब यहाँ से भी का जो वैल्यू होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।